खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागृति लाने सहित सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर लीगल एड क्लिनिकल सेवाएं शुरू की गई। वहीं बच्चों को संस्कारवान बनाने और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य के चलते स्कूली स्तर पर लीगल लिटरेसी क्लब खोले गए हैं। और इसी कड़ी में संविधान सप्ताह के तहत पंचायत समिति सभागार में लीगल एड क्लिनिक व लीगल लिटरेसी क्लब के सदस्यों की बैठक हुई। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चूरू एडीजे राजेश कुमार दड़िया ने कहा कि परिवर्तन का विरोध होता है, लेकिन बाद में उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर लीगल एड क्लिनिकल सेवाएं शुरू होने से पंचायत स्तर पर अब बड़ा परिवर्तन आएगा। समस्त प्राइवेट स्कूल और कुछ गवर्नमेंट स्कूल में हमारे लीगल लिटरेसी क्लब खोले गए हैं। उनमें कैसे काम किया जाए, कैसे उनको अच्छी स्पीड दी जाए, इस बात के लिए आज प्राइवेट स्कूल के क्लब इंचार्ज और सरपंच पंचायत समिति सुजानगढ़ और बीदासर की मीटिंग रखी गई थी। और इस बात के लिए मोटिवेट किया गया कि इस क्लिनिक और क्लब को कैसे रन करें और कैसे जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनसे समाज को मुक्त किया जाए। मुझे लगता है कि आज प्रत्येक कार्यक्रम में जिस भी व्यक्ति ने इसको कार्यक्रम में अपनी शिरकत करी है, उसके प्रत्येक के दिल में ये छुआ है और ये छुअन हमें भी हुई है। वाकई में सामाजिक कुरीतियाँ जिनको कि समय के मद्देनजर आज वे कुरीति नज़र आती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास हम ही सामाजिक प्राणियों को करना चाहिए। हमने तो इस रूप में मैंने मेरे खुद के पुत्र की शादी सामूहिक विवाह के अंतर्गत करी थी, ताकि हम इस सामाजिक कुरीति को दूर कर